वह कौन सी स्त्री है जो विवाह होने के पश्चात पत्नी तो बन जाती है, पत्नी का पद पा जाती है, लेकिन भार्या कहलाने योग्य कब बनती है? यानी जैसे राम कहते थे ये मेरी भार्या सीता है, तो भार्या के क्या लक्षण होते हैं? भार्या किसे कहते हैं? भार्या का मतलब क्या होता है? भार्या का मतलब है सा भार्या या सुचिरिदच्छा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। भार्या, भार्या कहते हैं भरण पोषण करने योग्य। भार्या माने भरण पोषण करने योग्य वही पत्नी है जो सुचिर दक्षा, सुचिर माने जो पवित्र है, और दक्षा माने जो कुशल है, प्रवीण है, होशियार है, और जो पतिव्रता है, एक पतिव्रत का पालन करती है, चंचल नहीं है, व्यभिचारिणी नहीं है, उल्टा नहीं है। सा भार्या या पति प्रीता, और जिस स्त्री को अपने पति से प्रीति है, प्रेम है, उसे भार्या कहते हैं। वो भरण पोषण करने योग्य है, वो पूरे घर को संभाल सकती है। सा भार्या सत्यवादिनी, और जो स्त्री सत्य भी बोलती है, अपने पति को गुमराह नहीं करती है, वो भार्या का पद प्राप्त करती है। सा भार्या सुचिरदच्छा, देखिए कितना अच्छा बताया गया, सा भार्या या सुचिरदच्छा, पवित्र भी है, शुद्ध साफ रहती है, गंदगी नहीं रखती है, साफ हाथों से आटा मारती है, साफ सुथरा भोजन बनाती है, घर के सामान को साफ सुथरा संभाल कर रखती है, पूरी व्यवस्था को सेटिंग करती है, और कार्य करने में कुशल भी है, और पतिव्रता भी है, और पति से प्रीति भी रखती है। सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, और सा भार्या सत्यवादिनी, और सत्यवादिनी भी है। ऐसी जो पत्नी है, ऐसी जो स्त्री है, वो भार्या कहलाने योग्य है, उसे भार्या कहते हैं। सा भार्या या सुचिरदच्छा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। जो मनुष्य धन कमाता है तो उसके धन की सार्थकता कब होती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो धन की सार्थकता कब है? चाणक्य कहते हैं उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव ही रक्षणम, तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि धन की सार्थकता क्या है, तो चाणक्य कहते हैं कमाए हुए धन की सार्थकता तब होती है जैसे तालाब में यदि पानी भरा रहता है तो पानी सड़ जाता है, बदबू देने लगता है, पीने योग्य भी नहीं रह जाता है। लेकिन वही पानी जब प्रवाहित होता है वर्षा की ऋतु में, तालाब का पानी बह करके बाहर जाता है, दूसरे तालाब में जाता है, नदी में जाता है, तो पानी ताज़ा हो जाता है और वो पानी शुद्ध पीने नहाने के योग्य रहता है। ऐसे ही जो आपने धन कमाया है, आपका कमाया हुआ धन यदि प्रवाहित होता है, अर्थात जन सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, देश की सेवा में लगता रहता है, तो आपका धन पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। इसलिए धन का शुद्धिकरण भी करना चाहिए, और धन का शुद्धिकरण जब आपका धन दूसरों की सेवा में लगेगा तभी उसका शुद्धिकरण होगा। जब आप अपने धन को गरीबों की सेवा में, परमार्थ में, सेवार्थ में, धर्मार्थ में और शिक्षार्थ में लगाएंगे, या आप अपना धन सत्संग भक्ति में लगाएंगे, प्रचार प्रसार में लगाएंगे, धर्म की रक्षा में लगाएंगे, या अपना धन आप संतों की सेवा में लगाएंगे, भंडारा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, तो समझ लो आपके धन का शुद्धिकरण भी हो रहा है और आपका धन पवित्र हो रहा है और आपके धन की गंदगी खत्म हो रही है, आपका धन बिल्कुल वो पवित्र धन रहेगा। तो इसके लिए चाणक्य कहते हैं उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्, तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम। क्या कहते चाणक्य? चाणक्य कहते हैं कि
तड़ागोदर संस्थानम, तड़ागोदर कहते हैं तालाब में इकट्ठा हुआ जल जो प्रवाहित नहीं होता है वो बेकार हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा इकट्ठा हुआ धन बेकार है यदि वो सदुपयोग नहीं होता है। अर्थात अपने धन का सदुपयोग भी कीजिए, अपने धन को सही जगह लगाइए भी, उसका सही जगह खर्च करना ही धन का सम्मान है, धन की रक्षा है और धन की सार्थकता है और धन की इज्जत है। अन्यथा धन बेकार है, कूड़ा कबाड़ की तरह पड़ा है जब वो कोई काम आता ही नहीं है। इसलिए यदि आपके पास में धन है तो मंदिर भी बनाइए, उस धन से आश्रम बनाइए, सत्संग कराइए, भंडारा भी कीजिए, जो संत गुरु बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं उनकी सेवा में भी धन को लगाइए और परस्पर प्रेम से रहिए, परिवार के लिए भी धन खर्च कीजिए, अच्छा मकान भी अपने लिए बनाइए, अपने लिए भी अच्छी गाड़ी लाइए और अच्छा भोजन भी कीजिए, शुद्ध पवित्र विटामिन प्रोटीन वाला, और अच्छे ढंग से रहिए। चाणक्य से किसी व्यक्ति ने पूछा है वो कौन सा विद्यार्थी है जिसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती है और वह कौन सा धन है जो नष्ट हो जाता है और वह कौन सा खेत है जो व्यर्थ हो जाता है और वह कौन सी सेना है जो मारी जाती है, पराजित होती है। तो कहते हैं आलस्योपहता विद्या परहस्ते गतम धनम अलबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलस्योपहते विद्या परहस्ते गतम धनम अल्पबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। कहने का तात्पर्य है कि आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, जो आलसी है उसको विद्या नहीं आ सकती है, वो मूर्ख रहेगा क्योंकि आलसी है, आलसी कभी पढ़ाई करेगा ही नहीं, एक अक्षर नहीं याद करेगा। तुम यदि उसको पढ़ने के लिए टाइम दे दोगे, जितना टाइम दे दोगे 2-4-10 घंटे वो सोता रहेगा, पड़ा रहेगा, एक अक्षर याद नहीं होगा उसको, आलसी है, लेटा रहेगा। तो आलसी को विद्या नहीं आती है। और पर हस्ते गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वो भी नष्ट ही समझो, वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, वो आपका पैसा मार देगा, क्या करेगा, बेईमानी कर लेगा, कुछ पता नहीं। तो दूसरे के हाथ में गए हुए धन को भी नष्ट ही समझना चाहिए और संतोष करके बैठिए, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो संतोष करो। अलब बीजम हतम क्षेत्रम, अब कम बीज बोने से, अब बोना चाहिए 1 कुंटल बीज, इतना बड़ा खेत है उसमें बोया तुमने 1 किलो, वो खेत भी व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। अब 1 किलो बीज में उसमें होगा क्या, एक पौधा गेहूं का यहाँ है, दूसरा 10 फीट पे पड़ा हुआ बीज है, तो बीज की जो खाली जगह वो सब बर्बाद हो गई। तो कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है। अलब बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम, और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, क्योंकि सेना का नेतृत्व कौन करेगा, कौन कहेगा कब युद्ध प्रारंभ करो, कब युद्ध बंद करो, इधर इतने लोग जाओ, उधर उतने लोग जाओ, अगर कोई सेनापति नहीं है तो वह सैनिक सब मारे जाते हैं, उनकी पराजय होती है। इसी प्रकार से घर में यदि कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, यदि आश्रम में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो आश्रम भी नष्ट हो जाता है, घर भी नष्ट हो जाता है। किसी पार्टी का नेतृत्व करने वाला सही आदमी नहीं है राजनीति में, आपकी राजनीतिक पार्टी का अगर नेतृत्व किसी सही आदमी, बुद्धिमान आदमी के हाथ में नहीं है, वो पार्टी बार बार हारेगी, बिल्कुल पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नेतृत्व करना नहीं आता है लेकिन ऊंचे पद पर चिपके रहते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं पद, पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे और पार्टी के मुखिया बने रहेंगे, हाई कमान कहलाते रहेंगे, और बुद्धि विवेक है नहीं, और उसके पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, वो भी सब बेचारे हार का मुंह देखते रहते हैं। अब आगे वो कम बुद्धि का आदमी नेतृत्व कर रहा है,
इसलिए नेतृत्व हमेशा बुद्धिमान के हाथ में होना चाहिए, तो सभी को सफलता मिलती है। सेनापति यदि बुद्धिमान है तो सैनिकों को जीत मिलेगी, और यदि पर्याप्त बीज आप बोते हैं तो आपका खेत भी सार्थक होगा, और यदि आप आलस नहीं करते, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो आप विद्वान बनेंगे, विद्या की प्राप्ति होगी, और यदि आप समझदारी पूर्वक किसी के सहयोग के लिए धन देते हैं, अच्छे लोगों को जांच परख करके, तो आपका धन वापस भी आ जाएगा। लेकिन अंधाधुंध होकर तुम बांटते रहोगे, आपका धन वापस नहीं आएगा। इसलिए अलब बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम और आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम। अगला प्रश्न चाणक्य से पूछा गया कि धन की रक्षा कैसे होती है, विद्या की रक्षा कैसे होती है। धन की रक्षा धर्म से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर पढ़ने में मन लगाने से होती है, राजा की रक्षा कोमलता से और घर की रक्षा अच्छी स्त्री से होती है। क्या तात्पर्य हुआ? वित्तेन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, म्रा रक्षते भूपः, सत स्त्रिया रक्षते गृहम्। जो सात्विक स्त्रियां हैं, समझदार स्त्रियां हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छे स्वभाव की हैं, उनसे घर की रक्षा होती है, और जो उल्टा है वह घर को नष्ट कर देगी। और जो राजा कोमल स्वभाव का है, कोमल स्वभाव से राजा की रक्षा होती है, राजा के अंदर कोमलता और प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, और निरंतर विद्या का अध्ययन करने से अष्टाद योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। आप विद्या कितनी ही याद किया हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे, आपकी विद्या समाप्त हो जाएगी, सब भूल जाएगी, पढ़ना लिखना व्यर्थ हो जाएगा। और धर्म से धन की भी रक्षा होती है, और धन से धर्म की भी रक्षा करना चाहिए। वित्तेन रक्षते धर्मो, धन से धर्म की भी रक्षा कीजिए, और धर्म है तो आपके धन की भी रक्षा होगी। वित्तेन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, म्रा रक्षते भूपः, सत स्त्रिया रक्षते गृहम्। फिर किसी ने प्रश्न पूछा चाणक्य से, यदि घर में दरिद्र आ गया हो तो उस दरिद्र का नाश कैसे होगा? यदि आदमी की दुर्गति हो रही हो तो दुर्गति से बचने का उपाय क्या है? यदि मनुष्य बुद्धिमान बनना चाहता है, योग्य बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? और भयभीत जीवन है तो निर्भय जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो चाणक्य कहते हैं, दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दरिद्रता का नाश दान करने से होता है, और शील गुण के कारण, शील गुण के प्रभाव से तुम्हारी दुर्गति का नाश हो जाता है। कोई दुर्गति नहीं कर सकता शीलवान पुरुष की, जो चरित्रवान है, गुणवान है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, और प्रज्ञा से यानी बुद्धिमत्ता से, विवेक से अज्ञान का नाश होता है। यदि आपके पास अज्ञान है तो अज्ञान जो है, सत्संग सुनिए, सत्संग से आपके विवेक उदय होगा, विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाएगा। अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी, यदि तुम भयभीत रहते हो तो अपनी भावना को सुधारो, अच्छी भावना रखो। भयभीत वही रहते हैं जिनकी भावना गलत है, चुरा कर खाने की भावना है, सामान चुराने की भावना है, और पैसा चुराने की भावना है, काम चोरी करने की भावना है, काम ना करना पड़े, वो लोग भयभीत रहेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई जान तो नहीं गया है, हमने ऐसी गलती किया है, कोई हमको पकड़ न ले,